आज भी जब मैं उस दिन को याद करता हूं तो मेरी रूह कांप उठती है। समझ नहीं आता कि जो भी मैंने देखा क्या वो सच था या फिर कोई भ्रम। क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास रखते हैं? अगर 10 साल पहले यही सवाल आप मुझसे करते तो मेरा जवाब ना होता। मगर उस रात मैं अपने एक दोस्त की शादी को अटेंड करने गांव जा रहा था। बस कंडक्टर को जब मैंने गांव का नाम बताया वो थोड़ा चौंक सा गया और मेरी तरफ अजीब नजरों से देखने लगा। उसने मुझसे कहा कि ये गाड़ी उस रास्ते नहीं जाती क्योंकि बारिश की वजह से वो रास्ता बंद हो चुका है और अगले स्टॉप पर उतर के मुझे पैदल जाना पड़ेगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सो मैंने टिकट ले लिया। रास्ता बड़ा ही लंबा था सो मैं थोड़ी देर के लिए सो गया। लगभग रात के 10 बजे गाड़ी उस स्टॉप पर पहुंची और मैं बस से उतरने लगा। लेकिन तभी बस कंडक्टर ने मुझे रोका। वो मुझे वहां पर ना उतरने की विनती करने लगा। उसके कहे अनुसार वो रास्ता बड़ा ही निर्जन था। लेकिन पहले ही मुझे बहुत देर हो चुकी थी इसलिए कंडक्टर को धन्यवाद देते हुए मैं बस से नीचे उतर गया। मैंने मुड़कर देखा तो कंडक्टर अभी भी मेरी तरफ देख रहा था, मानो जैसे उसे मेरी बड़ी चिंता हो रही थी। बस निकल गई और उस सुनसान रास्ते में अकेला रह गया मैं। बस के जाने के बाद वो रास्ता और भी सुनसान लगने लगा। अंधेरा काफी घना था और मेरे पास टॉर्च भी नहीं थी सो मैंने अपने मोबाइल की लाइट ऑन की और जंगल के रास्ते की ओर बढ़ गया। मैं थोड़ी दूर चला था कि अचानक बारिश शुरू हो गई। मैंने अपना छाता निकाला और मोबाइल की धुंधली सी रोशनी में आगे बढ़ने लगा। लेकिन अचानक मेरे मोबाइल की टॉर्च बंद होने लगी। मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। रह रहकर मुझे कंडक्टर की बातें याद आ रही थी। मैं अपने आप को कोसने लगा, काश मैंने उसकी बात मान ली होती। लेकिन अब मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने हिम्मत बांधी और आगे बढ़ने लगा। तभी किसी लड़की की आवाज मेरे कानों पर आई। क्या आप गांव की तरफ जा रहे हैं? वो लड़की बहुत ही सुंदर थी। उसके बाजू में एक बूढ़ा सा आदमी हाथ में लालटेन लिए हुए खड़ा था। मैंने उसकी आंखों में देखा और मैं एकदम सहम सा गया। उसकी आंखें मुझे बड़ी अजीब ढंग से घूर रही थी। चलो बाबूजी, साथ में चलते हैं। बिना कुछ कहे मैं उनके साथ चलने लगा। मुझे एक बात बड़ी अजीब लगी। इतनी बारिश हो रही थी लेकिन उनके पास छाता नहीं था। उस बूढ़े आदमी ने अपने पूरे बदन पर एक कंबल लपेट लिया था और वो लड़की तो बारिश में पूरी भीग चुकी थी। मैंने उसकी तरफ देखा। सच में वो बहुत ही सुंदर थी। जी आप चाहे तो मेरा छाता ले लीजिए, मैंने उस लड़की से गुजारिश की। जी नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। और इतना कहकर वो मेरे पास आई और मेरे साथ एक ही छाते में चलने लगी। सच कहिए तो मुझे ये रात बड़ी अच्छी लगी थी। लेकिन जैसे ही छाता पकड़ने के लिए उसने मेरे हाथों को छुआ मैं चौंक गया। क्या हुआ? उसने मुझसे पूछा। जी वो आपके हाथ बहुत ही ठंडे थे, लड़की मुस्कुराई। जी हाँ, वो आज बारिश बहुत ज्यादा है ना, शायद इसलिए। उस खूबसूरत लड़की के साथ एक ही छाते में चलते हुए मैं रोमांचित हो रहा था। अब गांव नजदीक आ गया था। मुझे दूर से घरों में जलते टिमटिमाते हुए दियों की रोशनी नजर आ रही थी। मैं उस रास्ते से आगे बढ़ा लेकिन मैंने देखा कि वो लड़की और वो बूढ़ा आदमी एकदम से रुक गए। क्या हुआ, आप रुके क्यों? मैंने उनसे पूछा। आप गांव में नहीं आने वाले? जी हम गांव नहीं आते, हमारा लॉज है यहाँ पर, कभी वक्त मिले तो आइएगा जरूर। उस लड़की के हाथों में छाता देके मैं आगे बढ़ा। अचानक मुझे याद आया कि मैंने उस लड़की का नाम तो पूछा ही नहीं। अपने आप को कोसता हुआ मैं पीछे मुड़ा और मेरे पांव तले जैसे जमीन खिसकी गई। वहां पे कोई भी नहीं था। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश करने लगा। अचानक फिर से बिजली कड़की और फिर जो मैंने देखा मैं आज तक उसे भुला नहीं पाया हूं। उनकी आंखें, उफ, उसमें तो जैसे जान ही नहीं थी लेकिन फिर भी वो मुझे ही घूर रही थी। चेहरा सफेद, मानो जैसे उनका खून ही सूख चुका हो। वो मेरी तरफ देख कर मुस्कुराई, उसके सारे दांत सड़ गए थे। हमारा लॉज है यहाँ पर,
कभी वक्त मिले तो आइएगा जरूर, मैं आपकी राह देखूंगी। उसकी आवाज मानो किसी कब्र से आ रही हो, इतनी भयानक थी मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मुझे उस कंडक्टर की बताई हुई बात याद आ गई। उसने मुझसे कहा था कि रास्ते में अगर कोई पुकारे तो रुकिएगा मत। इतनी बारिश में भी मुझे पसीना आने लगा और फिर अपनी जान हथेली पर रखकर मैं वहां से भाग निकला। पता नहीं मैं कितनी देर भाग रहा था। गांव में पहुंचते ही मैं बेहोश होकर गिर गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन 2 दिन बाद मुझे होश आया। तब मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि पिछले 2 दिन से मुझे तेज बुखार था और मैं अपनी बेहोशी में अजीब अजीब बातें बड़बड़ा रहा था। मैंने अपने दोस्त को उस रात क्या हुआ वो सब बात बताई, जिसे सुनकर मेरा दोस्त भी घबरा गया। उसने मुझसे उस गांव में घटी हुई एक हकीकत बताई, जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कहानी कुछ इस प्रकार थी। उसी गांव में एक लॉज था जिसे एक बूढ़ा आदमी और उसकी नातिन दोनों मिलकर चलाया करते थे। कुछ साल पहले शहर से कोई लड़का उन दोनों के लॉज पर रहने के लिए आया था। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। लड़के ने लड़की से शादी का वादा किया और फिर वो शहर चला गया। वो लड़की उसके लौटने के इंतजार की राह देखने लगी, मगर वो लड़का लौट कर कभी नहीं आया। गांव के लोग अब उस लड़की का मजाक उड़ाने लगे, उसे तंग करने लगे। उनका लॉज बंद हो गया। वो बूढ़ा आदमी और लड़की दोनों ही अब अकेले पड़ गए। लड़की का हाल तो बहुत ही बुरा था। वह पागलों जैसे बर्ताव करने लगी थी। उस बूढ़े से अपनी नातिन का यह हाल बर्दाश्त नहीं हुआ। एक रात को दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े और एक पेड़ से लटक कर उन दोनों ने आत्महत्या कर ली। उस तूफानी रात में मैं जिस लड़की और उस बूढ़े आदमी से मिला, ये वही लोग थे। आज भी जब मुझे वो तूफानी रात याद आती है तो मैं चैन से नहीं सो पाता। अब आप ही बताइए, उस रात जो भी मैंने देखा या फिर महसूस किया वो सच था या फिर मेरा भ्रम? आपको क्या लगता है, क्या भूत प्रेत सच में होते हैं?